भाई बहन माँ बाप सब जिसका एक ही हो वही चला जाए, जिसने उसके आगे दुनिया सोची ना हो, उसके बाद भी कुछ हो सकता है तो उसके लिए क्या। लोग कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं दो साल पाँच साल बाद नॉर्मल हो जाएगा सर, सब कुछ है मेरा ये इसने सर जिंदगी में। अब आप बोलोगे कि तुम्हें पब्लिसिटी करने एक रुपये की किसी से प्राइम नहीं लियो, मैं जानता हूँ इसको, मैं बोलता हूँ इसके नाखून के बराबर बन जाऊँ ना मेरे लिए फख्र की बात हो। भाई मेरा वापस ले सकते पीछे चले जाओगे तो सारे हेलो बस बस खड़े कर सर आपके लिए बहुत ही है, मेरे लिए सब कुछ है सर, आराम से रखो सर, आराम से यार आराम से करो यार आराम से रखना यही है।
चुप करो। कल की रात जो कुलगाम में ऑपरेशन हुआ है, उस ऑपरेशन में हमने एक बहादुर जवान को, अपने साथी को खोया है। रोहित चिब जो 2011 में भर्ती होके खुद वॉलंटियर होके हमारी स्पेशल पुलिस की टीम में काम कर रहा था और इतना अच्छा काम कर रहा था कि अभी 3 ही साल पहले स्पेशल प्रमोशन उसकी हो करके बाकियों से 1 रैंक ऊपर बढ़ करके काम कर रहा था। कल के ऑपरेशन में बहुत नमाया काम करते हुए, अपनी जान की परवाह न करते हुए ऑपरेशन के दौरान आगे बढ़ करके ऑपरेशन में हिस्सा ले रहा था जब इसको उस ऑपरेशन के दौरान गोली लगी। मगर बावजूद उसके जो दहशतगर्द वहाँ पर मौजूद था उसको न्यूट्रलाइज करने में, उसको ख़त्म करने में इसकी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन रही। जे आर्मी के जवानों के साथ मिलकर के आगे बढ़ के ऑपरेशन में हिस्सा ले रहा था जब 3 आर्मी के जवान जख्मी हुए और जे भी जख्मी हुआ, अनफॉर्चुनेटली जख्मों की वजह से इसकी वहाँ पर मौत वाके हुई, शहादत हो गई। हमें फ़ख्र है अपने जवान पर जिसने बहुत बहादुरी से इस ऑपरेशन में और इससे पहले कई ऑपरेशंस के दौरान काम किया, जिसकी वजह से उसने तरक्कियां भी ली, महकमे से शाबाशी हासिल करी। इस साल के अंदर जो नया साल शुरू हुआ है, अभी तक 8 कामयाब ऑपरेशन किए गए हैं जिसके अंदर 14 दहशतगर्दों का सफाया हुआ है। इन 14 दहशतगर्दों के अंदर 7 पाकिस्तान के दहशतगर्द भी शामिल हैं। ये पाकिस्तान के पिट्ठू जो उनकी साजिशों के मुताबिक जहां पर आकर के दहशतगर्दी को अंजाम देते हैं, उनका सफाया करने का काम जो चल रहा है वो तेज़ी से चल रहा है। इन्हीं ऑपरेशन के दौरान उन 7 लोगों का सफाया हुआ जो पाकिस्तान से जहां पर दहशतगर्दी को चलाने के लिए आए थे। इसके साथ साथ जो टेररिस्ट जहां पर तंजीमें काम करती, उनको जो सपोर्ट करने वाले अलग अलग तरह के मॉड्यूल्स हैं, उनका सफाया भी साथ में किया जा रहा है। इसमें पब्लिक का, आवाम का खुला साथ हमारे साथ है और हम लोग महसूस करते हैं कि साल 2022 के अंदर जैसे 21 के अंदर बड़ी तादाद में दहशतगर्दों का सफाया हुआ, लोगों ने चैन की सांस ली। हमारे बहादुर जवान, हमारी फोर्स डट करके इस दहशतगर्दी का मुकाबला करती रहेगी और हम और ज़्यादा दहशतगर्दी के माहौल को साफ करेंगे ताकि लोग अमन के माहौल के अंदर रह सके। आज भी सिविलियंस को देखा गया था किस तरीके से ढाल बनाया था पाकिस्तान के आतंकवादियों ने और हमारे जवानों ने सिविलियंस को वहां से निकाला। देखिए, हर ऑपरेशन के अंदर हमारी जो कोशिश रहती है कि सिविलियन जो है उनको बचाया जाए। इस ऑपरेशन के दौरान भी 2 सिविलियन जो जख्मी हुए, जिनको मिलिटेंट ढाल बना करके वहाँ से निकलना चाहता था, मगर हमारे बहादुर जवानों ने उसकी जो चाल कामयाब नहीं होने दी। जो 2 सिविलियन जख्मी हुए थे वो भी ठीक हैं, 3 आर्मी के जवान भी स्टेबल हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे एक जवान की शहादत हुई। सिविलियन को ढाल बना करके उनको आगे लेकर के गोली चलाना, फोर्सेस के साथ आकर के भिड़ना, इसमें लोगों का नुकसान करना और फिर उसको सिक्योरिटी फोर्सेस के नाम पे चढ़ाना, ये एक नई साजिश पाकिस्तान की एजेंसियों की है जिसको बार बार बताया जा रहा है। जैसे कि हैदरपुरा के इनकाउंटर में भी हुआ, उसमें भी ये बताया गया, इस तरह की जो साजिशें हैं उनको भी नाकाम किया जाएगा। 26 जनवरी को लेकर के सब तरह की तैयारियां की जा रही हैं, सब लोग बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लेंगे। 26 जनवरी बहुत अच्छे तरीके से मनाई जाएगी, सब जगह पर अच्छे से मनाएंगे इसको। और मैं आप सबको अपील करता हूँ कि आप सब 26 जनवरी के अंदर सब लोग आकर के शिरकत करें। सर, एलसी पे कहा गया है नई इनपुट जो है कि 400 के करीब टेररिस्ट। एलसी के ऊपर पाकिस्तान की तरफ से एलसी के ऊपर जो बिल्ट अप है, उनके जो अड्डे हैं जहां से दहशतगर्दों को भेजते हैं, वहां पर नकलो हरकत के ऊपर नज़र रखी जा रही है। उनकी कोशिशें बार बार होती हैं कि वो इन्फिल्ट्रेशन करें, मगर हमारी फोर्सेज, हमारी बॉर्डर ग्रिड उसका मुँह तोड़ जवाब दे रही है और बॉर्डर के ऊपर बड़े अच्छे से सिक्योरिटी की ग्रिड को मेंटेन किया जा रहा है। शुक्रिया।
कल देर शाम कश्मीर के कुलगाम में हुए आतंकवादी हमले में जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक वीर जवान को खोया है और आज उन्हें नम आंखों से जो है वो अंतिम श्रद्धांजलि यहां पर दी गई। और डीजीपी दिलबाग सिंह जी की बात करें, एडीजीपी जम्मू मुकेश सिंह जी भी जो है वो यहां पर मौके पर यहां पर पहुंचे थे और तमाम जितने भी बड़े अधिकारी यहां पर मौजूद हैं। और यहां पर तस्वीरों में आप यहां पर देखेंगे जितने भी पुलिस के बड़े ऑफिसर जो है वो यहां पर पहुंचे और रोहित चिप को यहां पर अंतिम श्रद्धांजलि जो है वो यहां पर दी गई। लेकिन जिस तरह से दिलबाग सिंह ने कहा कि जल्द ही उन जितने भी आतंकवादी जो है वो घाटी में छिपे हुए हैं उन्हें भी जल्द से जल्द मोतीगढ़ उतार दिया जाएगा और एक जैश ए मोहम्मद के आतंकवादी को भी जो है वो हमारी भारतीय सेना ने जो है वो ढेर किया है। लेकिन देश को एक बड़ा नुकसान हुआ है, रोहित चिब जो है वो अब इस दुनिया में नहीं रहे लेकिन उन्हें आज अंतिम श्रद्धांजलि जो है वो यहाँ पर दी गई। बने रहना पब्लिश के साथ, धन्यवाद।